हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लीव बाम का रहेगा आज का रिव्यू। तो ये लीव बाम जो है, ये है मैन कंपनी का लीव बाम। ये जो लीव बाम है मैन कंपनी का तो है ही, साथ ही साथ जो है ये लीव बाम जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मेल्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड हुई है। ये लीव बाम नरिश करेगी, साथ ही साथ मॉइस्चराइज करेगी आपके लीव्स को। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड हुआ है वो है विटामिन ई एज वेल एज आमंड ऑयल का यूज्ड है। नेट कंटेंट की बात करती हूँ गाइस, ये है 4 ग्राम का प्रोडक्ट। ये इसका जो MRP कॉस्ट है ये है 1,99 रुपये, मतलब 199 रुपीज़। और इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है ये है जनवरी 2021 और 22, और इसकी जो एक्सपायरी है ये है दिसंबर 2024। अब बात करूँगी गाइस कि ये प्रोडक्ट कितना सटीक है और आपको पिक करना चाहिए कि नहीं। सो दिस इज़ द लीव बाम, इसी फॉर्मेट में जो है आपको ये लीव बाम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैन कंपनी विटामिन ई एंड आमंड ऑयल का यूज किया हुआ है, नरिशेस एंड मॉइस्चराइज योर लीव्स। सो हियर मैं आपको थोड़ा ओपन करके आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो गाइस जैसे कि फीमेल लिप बाम में होती है, हम फीमेल लिप बाम में कोई भी लिप बाम ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, ज़्यादातर लिप बाम में जो है पिंक कलर का टेक्सचर रहेगा, रेड कलर का टेक्सचर रहेगा। इट मींस थोड़ा बहुत जो है हमें थोड़ा कलर ही चाहिए रहता है लिप में, और उसी के रिगार्डिंग जो है फीमेल लिप बाम मैन्युफैक्चर होती है। बट ऐसा भी बोलना गलत हो जाएगा कि फीमेल जो है एक ट्रांसपेरेंट लिप बाम जैसे कि ये लिप बाम है ये ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं होती है। यस होती है, हिमालय का एक वनीला फ्लेवर का लिप बाम है, वो भी जो है वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है। और ऐसा ट्रांसपेरेंट लिप बाम जो है ये मेल फीमेल दोनों ही जो है यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो लिप बाम है गाइस, ये बेसिकली मैन कंपनी से आया हुआ है, तो फीमेल तो यूज़ कर सकती है, दैट इज़ अप टू योर चॉइस कि आप यूज़ कर रही हो कि नहीं। बट ये जैसे कि मैन कंपनी का है तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड हुआ है आपके मेन के लिए ही। बट इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी, अप्लाई कर रही थी ऑन माय लीव्स की। ये सीरियसली मेन कंपनी का तो है ही, बट कैसे क्या टेक्सचर रहता है और कैसा रहता है इसका प्रोडक्ट, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को बताना था। तो गाइस ये ना हम जैसे फीमेल यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत स्मूथ रहता है। तो ये देखिए आप इसको अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो ये स्मूथ टेक्सचर में नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत जो है आपको कुछ पार्टिकल्स तो वैसे ही देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत रफ लग रहा है मेरे को। और इसको अप्लाई भी करोगे तब भी थोड़ा बहुत वैसे लगेगा, बट जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो ये स्मूथली अप्लाई हो जाएगी और साथ ही साथ जो है सॉफ्टन करेगी आपके लिप्स को। तो ये आई गेस कि मेल के स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही जो है ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ये प्रोडक्ट। अब बात करूँगी गाइस कि ये प्रोडक्ट कितनी सही है और आपको पिक करना चाहिए कि नहीं। इफ़ यू आर अ मैन एंड यू यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ज़रूर से कमेंट करके बताना गाइस कि मैं जहाँ तक बोल रही हूँ, जितना बोल रही हूँ ये सही है कि नहीं। बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मेरे को ठीक ठाक लगा, बट आई गिवन टू माई ब्रदर टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और उसको सही लगा। दैट मीन्स कि हाँ, इसको अगर ओवरऑल देखते हुए अगर रेटिंग की बात करने बोल रहे हो गाइस, तो इसको मैं 4.7 के अंडर जो है इसको रखना चाहूँगी। ये लिप बाम काफ़ी सही है, 199 इसकी कॉस्ट है, बट इसको मैं अमेजोन से ख़रीदी हुई है, कुछ डिस्काउंट मिला है और कुछ डिस्काउंट में जो है ये प्रोडक्ट मैं पिक की हुई हूँ। सो इफ़ यू आर द वन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, अगर आप मेल हो फीमेल हो आई डोंट नो, Whoever you are watching this video, if you are using this product का लीव बाम, ज़रूर से शेयर कीजिएगा गाइस मेरे कमेंट में कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको और आप क्या रिकमेंड करेंगे किसी और को ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए या नहीं। सो इफ़ यू हैव नॉट यूज दिस प्रोडक्ट, डेफिनेटली गाइस आप ज़रूर से इसको पिक करके जो है यूज़ कर सकते हैं। मैन के लिए हाईली रिकमेंडेड है बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर मैन इवन। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप गाइस वीडियो सही लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन बाय गाइस।